आज रेट भी बताएंगे आपको। रेट भी बताओगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आदमी का मान सम्मान सब कुछ अच्छी तरह जो हम चाह रहे वही भैंस दिखाई है। अच्छा ठीक है। संदीप और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विराज डेयरी एंड फार्मिंग में। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। तो जिला हिसार का गांव है मिंगनी खेड़ा, काफी जानी पहचानी जगह है, पहुंचे हैं महिमा डेयरी फार्म पे। और फिर अच्छा पशुधन दिखाने का जो प्रयास है उसी में तीन जो जबरदस्त जो भैंसे हैं सेल होकर के जा रही हैं। आज काफी सारे हमारे जो बायर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं। जोगिंदर भाई देखे एक नेताजी बन के आज सफेद ड्रेस में यहाँ पे खड़े हुए हैं आराम से और काफी खुश भी हैं। तो जो बायर्स हैं इनसे भी मिलवाएंगे। सबसे पहले जो पशुधन है भाई का वो देखें, जबरदस्त अर्डर क्वालिटी में, जबरदस्त जो हाइट लेंथ है पीठ पुट्ठा है वो देखें, और साथ में एक मिनी जिसको घर और व्यापार में हम शुभ मानते हैं वो भी सेल होकर के यहाँ से जा रही है। तो भाव भी पूछेंगे क्या कुछ डिटेल्स हैं दूध वगैरह की, वो भी सीधा लेकर के चलेंगे जोगिंदर भाई के पास। नमस्कार जोगिंदर भाई। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो जी? बस बढ़िया है, और देखने वाले दर्शकों को भी नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह का पशुधन दिया है आज तीन भैंसे भाइयों का, मतलब एकदम औचक निरीक्षण था या पहले बात बात हो रखी थी फोन पे? आपकी वीडियो देख के आए थे। अच्छा, शाम को आए थे। ठीक है, तो कल शाम को 4 बजे करीबन ये मेरे पास आए थे। 16 लीटर वाली भैंस ही है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो एक तो 16 लीटर की है, दो 12-12 लीटर, दो 12-12 लीटर। ठीक है, लाख से नीचे नीचे का रेट, आज रेट भी बताएंगे। रेट भी बताओगे आज? भाई साहब खुद बताएंगे रेट आपको। अच्छा, तो कौन से भाई ने लिए इन्होंने? इन भाई साहब ने। अच्छा, नमस्कार भाई जी। जी जी जी, शुभ नाम बताएं सर अपना। नाम यश त्यागी जी। यश त्यागी, जिला गाजियाबाद। अच्छा, तो त्यागी साहब क्या करते हो, डेयरी वगैरह चलाते हो, किस तरह का काम है? काम है अपना डेयरी का। अच्छा, दूध का काम है। तीन भैंसे लिए हैं जी। तो जोगिंदर भाई के पास पहली बार आए थे जी, पहली बार आए। दूध वगैरह निकाल के देखा? दो टाइम। खुश हो? संतुष्ट हो? क्या कुछ कहेंगे जोगिंदर भाई के बारे में, जो जितने भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को? हम तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा बहुत बढ़िया लगा, आए के बहुत बढ़िया, रहने की सुविधा ठीक है, बढ़िया। अच्छा, ये आपके साथ ही आए, ज्यादा बढ़िया। तो अंकल जी क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, मुझे सबसे अच्छा इनका व्यवहार लगा जी। हाँ, जोगिंदर भाई का ठीक है, आदमी का मान सम्मान सब कुछ अच्छी तरह जो हम चाह रहे वही भैंस दिखाई है। अच्छा ठीक है, तो रात को रुकने की व्यवस्था, खाना दाना सब सही था? ठीक है। एक और अंकल जी हैं हमारे, शुभ नाम क्या है अंकल जी बताएं? देवेंद्र। तो आप यश भाई के साथ ही आयो? इन्हीं के साथ आए? पोता। अच्छा, पोता है, तो आप तो दादा हो गए इनके हैं, बहुत बढ़िया। दादा देखो उम्र कैसी है, जवान उम्र में लगते नहीं है। तो किस तरह का कामकाज है, दूध वगैरह बेचते हो वहाँ पे, सेल परचेज का काम है कैसा? दूध वगैरह, दूध भी क्या भाव बिक जाता है अपने वहाँ पे? हमारे यहाँ है जी 52-53। 52-53। तो हिसार डिस्ट्रिक्ट में पहली बार आए हो? पहली बार आए हो। और क्या कुछ कहेंगे जोगिंदर भाई के बारे में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है जोगिंदर। अच्छा, भाई का जवाब नहीं है। अच्छा, तो व्यवहार बहुत सुंदर, ठीक है, ठीक है। रेट में वाजिब दाम? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, दूध वगैरह संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत। ठीक है, अभी इनका दूध निकाल के अभी लोड करने की तैयारी कर रहे थे। अब इतनी देर में मैं पहुंच गया, यहाँ कोई दौरा था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वकील साहब आप ही बताएंगे, आप इंचार्ज तो आप ही हो, रेट यश भाई बताएंगे? तो यश भाई आज आपसे ही सुनेंगे, वकील साहब तो हर बार। अरे के यो टीका था कति जहर का टीका है, यो मत लिया सही टाइम पर दूध ना देना, मेरा आगे कान पकड़ लिया। बात देवा देवा दी तमने सारे भाइया ने बताऊ, अपने पशुओं ने एलडीएम पाओ, शमा पे पसाओ और टाइम पर सही दूध पाओ। यह एलडीएम ना रेक मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, और ऑनलाइन मंगान खातर अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग कर सको हो, और जब और भी कम कसर रहेगी हो ना 80,595,37,000 में फोन कर लियो। कौन सा ब्याह है, कितना दूध बताया, कितने में आपने लिए वो बता दो भाई। दूसरे ब्याह की है, दूसरे ब्याह, ठीक है। नीचे बच्ची, नीचे जो हशपुश फीमेल काफ है वो देखें, सेकंड लैक्टेशन में छोटे सींग की जो मिनी
जिसको घर और व्यापार में हम लोग शुभ मानते हैं वो 12 लीटर दूध हाल फिलहाल मौके पे तैयार। और वकील साहब इधर से लंबा लेकर के जाएं लास्ट तक, ये देखे जी छोटे से छोटे सींग में काफी जो शानदार सेकंड लैक्टेशन की जो मिनी बफलो है वो लेकर के जाएं, ये देख सकते चेहरे मोरे से लेकर के हाइट लेंथ जो पीठ पुट्ठा है वो आप देखें। अर्डर की क्वालिटी, अर्डर में हालांकि इतना जोश आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी दूध है वो निकल चुका है। और नीचे हशपुश जो फीमेल काफ यश त्यागी भाई आए हैं गाजियाबाद साइड से और लेकर के जा रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई को, अच्छा पशुधन लेकर के जाएंगे, भरोसा अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से भी पलट करके आएंगे। यश भाई कितने में खरीदी है? 80,000 में, बहुत वाजिब दाम, बहुत बढ़िया। अगला पशुधन बताएं सर? खारके की झुटकी है भाई। अच्छा फर्स्ट टाइम है? 12 किलो दूध। ठीक है, 90,000 रुपए में। कितने दिन की ब्याई है? सात आठ दिन की। काफी सारे पशु पालक भाइयों की जो डिमांड है वो रहती है फर्स्ट लैक्टेशन की जो झोटी है वो दिखाई जाए। और भाई का सिलेक्शन देखें, आज भी काफी जबरदस्त, काफी दमदार पशुधन, जितना भी चाहे वो फर्स्ट टाइमर लेते हो, सेकंड लैक्टेशन की हो या थर्ड टाइमर हो, जितना भी पशुधन आपको दिखाएंगे हर बार अच्छी और उन्नत क्वालिटी का पशुधन हर बार आपको यहां से देखने को मिलेगा। पहले ब्यात की शानदार झोटी देखें, 90,000 रुपए में सेल हो करके भाई के यहाँ से जा रही है। क्योंकि काफी सारे लोग बोलते थे वीडियो में जोगिंदर भाई रेट नहीं बताते, आज रेट भी डिस्क्लोज करेंगे। और एक और पशुधन है, यश भाई बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं जी? तीसरे ब्यांत में, बहुत बढ़िया। 16 किलो दूध, तो आपने खुद इसका दूध निकाला है? संतुष्ट हो? ऐसा तो नहीं बताया कुछ और निकल कुछ और गया, दो टाइम खुद निकाला, ठीक है। नीचे हशपुश फीमेल काफ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले पशुधन दिखाएंगे लेकर के चलें। तीसरे ब्यांत में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जबरदस्त लांड पान का जो पीठ पुट्ठा है पशुधन का आप वो देखें, और दूध निकल चुका है जब भरा पूरा, जब लेवा, जब दूध के टाइम पे आप देखोगे तो काफी अच्छा पशुधन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जबरदस्त जो थर्ड टाइमर बफलो है, न सिर्फ बफलो बल्कि जो इसकी फीमेल काफ है वो भी अपने पशुपालक भाइयों को दिखाऊंगा। जबरदस्त हाइट लेंथ की काफी हशपुश जो तंदुरुस्त फीमेल काफ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और भाई ने ये आप देखें, दो समय की जो मिल्किंग है, 16 लीटर भाई ने दूध बताया था, तो 16 लीटर दूध सेम एज इट इज यूं का यूं मिला। सिंगों की क्वालिटी से लेकर के हाइट लेंथ है, हर तरीके से जो बेजोड़ पशुधन है वो। कितने में खरीदा यश भाई? 90,000 रुपए में, ये आप देखें। तो रेट काफी वाजिब लगे, या हरियाणा में कभी मतलब घूमे ही नहीं हो, सीधा यही है? वाजिब लगे जी। काफी वाजिब लगे। पहले कहीं से खरीदी है भैंसे हरियाणा में? पहली बार आई। हरियाणा में पहली बार आए तो डेयरी फिर कहाँ से चला रहे थे? यूपी की भैंसों से ही साथ? अच्छा, ठीक है, तो पहली बार हरियाणा में आए हो। अगली बार मैं तो कहूंगा बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, जितना भी पशुधन लेकर के जा रहे हो परमात्मा की दया से सारा अच्छा निकले और फिर दोबारा से आप हमारे यहाँ पे आए, जिससे न सिर्फ हमारे हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान बढ़े, न सिर्फ जोगिंदर भाई का बल्कि कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा पशुधन मिले। तो जोगिंदर भाई और क्या कुछ कहेंगे? बस ये कहना चाह रहा था, मैं रेट नहीं बताना चाह रहा था, आपकी बार बताना पड़ गया मेरे लोगों की समस्याएं थी। हाँ, जितने भी वायरस आए मैं आपको कह रहा था ऑर्डर भी पूरा नहीं होगा, ठीक है, तो ये रेट है जी हमारा। तो अब कहाँ का लोड तैयार कर रहे हो? गणेश भाई का लोड तैयार कर रहे हैं, फिर दोबारा से एक दो दिन बाद सिलेक्शन शुरू हो गया है, कल से करेंगे। कल से कितनी? 10 भैंसे जा रही है। तो किस तरह की भैंसे ले रहे हो उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड? उसमें फर्स्ट की तो नहीं इतनी, ज्यादातर सेकंड और थर्ड का जी। फर्स्ट, अच्छा सेकंड और थर्ड का, ठीक है। तो अच्छी और उच्चतम क्वालिटी के लोड के लिए जो भाई की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रही हैं, डायरेक्टली आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।